हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यानी इसको कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप अगर देख लेंगे तो इससे सम्मिश्र संख्या के यहाँ पर जो टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तो अब आप निकाल पाएंगे। और इसमें यह भी बताएंगे कि सम्मिश्र संख्या जो होती है वो क्या होती है और इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो यहां पर हम आपके लिए बताने वाले हैं। देखिए, सम्मिश्र संख्या जो है, सम्मिश्र संख्या का जो रूप है वो होता है का रूप, सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है वो z बराबर a प्लस आई बी का रूप होता है। z बराबर a प्लस आई बी का रूप होता है। अब यहां पर क्या है आपके लिए, कौन कौन से पार्ट होते हैं हम आपको बताते हैं। z यहां पर जो लिखते हैं वो सम्मिश्र संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सम्मिश्र संख्या। इस तरीके से सम्मिश्र संख्या लिखते हैं यहां पर, z के लिए सम्मिश्र संख्या लिखते हैं। a जो होता है यहां पर वो होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या कहलाती है। और ये जो b होता है वो आपके लिए काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना कि सम्मिश्र संख्या के रूप में आपके लिए कौन सा वास्तविक संख्या होती है, कौन सा काल्पनिक संख्या होती है, और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, और यहां पर z को सम्मिश्र संख्या बोला जाता है, और यहां पर जो लिखते हैं इसके लिए, और a वास्तविक संख्या और b यहां पर काल्पनिक संख्या होता है। क्यों होता है काल्पनिक संख्या? क्योंकि i के साथ इमेजिनरी नंबर कहलाता है, जो भी i के साथ होगा वो काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अब हम आपके लिए बताते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं। देखिए, सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालेंगे या जिसको R कहते हैं वो निकालना पड़ेगा। देखिए, हम यहां पर आपके लिए बताते हैं, तो यहां पर Z बराबर, अगर मान लो कोई संख्या दे रखी है हमारे पास, X प्लस आई बाई के रूप में भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं Z बराबर A प्लस आई बी। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं पर z बराबर a प्लस आई बी लिखा होगा और कहीं पर z बराबर x प्लस आई बी का भी यूज कर सकते हैं, आई बाई का। तो ये आप नहीं कहोगे कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जहां a भी यूज कर रहे हैं, यहां पर x y यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपके लिए यहां पर मॉड z निकालेंगे। तो मॉड z कैसे निकलता है हम आपको बताते हैं। तो जब हम मॉड z निकालेंगे बेटा यहां पर, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। रूट के अंदर वास्तविक संख्या का स्क्वायर, यानी इसको रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल पार्ट, यानी वास्तविक संख्या का स्क्वायर। तो मैं लिखना हूं यहां पर रियल पार्ट, यानी वास्तविक संख्या, रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट को मैं आईएमजी से लिख रहा हूं, और आईएमजी पार्ट का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब आपके लिए हो गया मॉड जेड बराबर, ये फार्मूला हो गया आपके लिए रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट क्या है आपके लिए, रियल पार्ट ए है तो ए स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो बी है तो बी स्क्वायर, यानी जेड बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद ऐसे ही दूसरे का अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये दूसरी तरीके से हो जाएगा, मॉड जेड बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अलग अलग नहीं है बच्चे, ये एक ही सूत्र है, लेकिन आपके लिए क्या करना है, कभी a प्लस आई बी के रूप में लिखा होगा और कभी x प्लस आई वाई के रूप में लिखा होगा। तो आप कहोगे कि मान तो एक ही है, लेकिन आपके लिए क्या है, लिखने में अलग अलग है। यानी जब आप चैप्टर पढ़ोगे इसका, जब आप सवालों को करोगे, तो कहीं a प्लस आई बी लिखा होगा और कहीं पर x प्लस आई वाई लिखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात वैसे ही प्रयोग करनी है आपको, लिए लिखना वैसे ही है। अब यहां पर रियल नंबर a है, यहां पर रियल नंबर x है, तो बस इनका, इन चरों का फर्क है, बस आपको फार्मूला यही लिखना है। अब क्या करना है, अब आपके लिए z का मान निकाल दिया, ये निकल आया रूट के अंदर r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही आपके लिए r कहलाता है। क्या कहलाता है? r, ये r कहलाता है, r इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपके लिए, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये आपके लिए r जरूरत पड़ेगी ध्रुवीय रूप के लिए, और अब हम आपके लिए बताने वाले हैं थीटा का मान।
थीटा का मान बताएंगे, तो थीटा का मान हम निकालेंगे, कोण जो जरूरत पड़ती है तो थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान सम्मिश्र संख्या के लिए, सम्मिश्र संख्या के लिए, सम्मिश्र संख्या के लिए, संख्या के लिए, तो यहां पर हम थीटा का मान निकालेंगे सम्मिश्र संख्या के लिए, क्योंकि मुझे आर की जरूरत पड़ेगी तो मैंने आर निकाल लिया। अब मुझे थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, तो यहां पर थीटा का मान लिखेंगे। देखिए क्या होता है, यहां पर x बराबर होता है r साइन थीटा, यहां पर x r बराबर ऐसे लिखिए। यहां पर क्या करना है आपके लिए सिंपली, या आप थीटा का मान ही लिखिए। थीटा का मान मैं आपके लिए बता देता हूं डायरेक्टली, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x, ये होता है। अब y अपॉन x आप लिख लो, बात समझ रहे हो, y अपॉन x लिख लो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर y जो पार्ट है वो क्या है, आप देखो यहां पर y पार्ट क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग। तो आप इसको लिखोगे y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, img पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये जो x है वो है रियल पार्ट। क्या है, रियल पार्ट है। तो यहां पर दो भाग हो गए इस तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं थीटा बराबर ये होता है, ये समीकरण सॉल्व करके निकाला जाता है, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। अब क्या करना है, सिंपली आपने थीटा का मान निकाल लिया, अब यहां पर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, यानी ध्रुवीय रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा ध्रुवीय रूप, कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है इसका ध्रुवीय रूप। इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यानी आप इसको याद कर लेना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, आपके लिए आर का मान भी जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकालेंगे, और कॉस थीटा यानी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकालेंगे। अब हम आपके लिए एक सवाल करके दिखाते हैं, एक क्या यहां पर दो सवाल आपके लिए करके दिखाएंगे, जिसमें आप सम्मिश्र संख्या को सीख जाएंगे इसका ध्रुवीय रूप निकालना। अब देखिए यहां पर ये सूत्र हो गया आपके लिए, इसको बिल्कुल रट लेंगे, r cos थीटा, r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हम आपके लिए सवाल लेते हैं, पहला सवाल देखिए, मैंने लिख लिया z बराबर 1 प्लस i, क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस i, ये लिख दिया, ये z बराबर 1 प्लस i लिख दिया मैंने। अब इसका ध्रुवीय रूप निकालने के लिए हमें r को जरूरत पड़ेगी, यानी मॉड z की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम r कहते हैं। तो r बराबर लिखेंगे, रूट के अंदर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहां पर r बराबर लिखेंगे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यानी हम इसकी कंपेयर करेंगे, तो आप देखिए इसका रियल पार्ट कितना है, 1 है, यानी x बराबर 1 हो गया, और इसका रियल पार्ट हो गया 1, और y निकालेंगे तब i के साथ जो भी होता है वो y होता है, तो यहां पर i के साथ क्या है, 1 है, i के साथ भी यहां 1 है, तो यह मान के चलेंगे, ठीक है, 1 है यहां पर, तो y बराबर भी 1 हो गया, y बराबर भी 1 हो गया। अब आपके लिए r निकाल लो, r बराबर रूट के अंदर x स्क्वायर, यानी x का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, और y का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 और 1, यानी रूट के अंदर 2 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपके लिए r का मान आ गया, अब सिंपली यहां पर आप थीटा का मान निकाल लेंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे यहां पर, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x, तो y का मान क्या है, वाई यानी इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग 1 है तो 1 रख दिया, और बटे में क्या हो जाएगा आपके लिए, काल्पनिक भाग 1 हो गया और रियल पार्ट भी 1 है तो 1 हो गया, यानी 1 अपॉन 1 बराबर 1, यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 आ गया, क्योंकि हमने y अपॉन x रखा तो 1 ही आया, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 आ गया। अब थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 आ गया, अब आपके लिए टेन कितने का मान होता है, 1, तो आप जानते हो थीटा बराबर 45 डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का, तो आप थीटा इसको रेडियन में बदल लो, तो रेडियन में बदलेंगे तो 45 गुणे पाई बटे 180 होता है, पाई बटे 180, ये 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, यानी पाई बटे 4। अब इसको सिंपली आप लिख दीजिए, इसकी ध्रुवीय रूप, यानी ध्रुवीय रूप होता है आर कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ये होता है
है ना। तो यहां पर आप मानक दिए, r का कितना आया था हमारे पास, तो r का आया था रूट टू, यानी r का मान हमारे पास रूट टू आया, और cos थीटा, थीटा का मान हमारे पास 45 है, पाई बाई 4 लिख सकते हो, और यहां पर प्लस i साइन, और यहां पर आपके लिए क्या है, थीटा का मान पाई बाई 4 ये हो जाएगा, और साइन के साथ लिखेंगे इसके लिए साइन पाई बाई 4 ठीक है। तो यहां पर आपके लिए इस तरीके से यह ध्रुवीय रूप हो जाएगा, यहां पर r cos थीटा प्लस i sin थीटा से। अब इसके बाद यहां पर दूसरा आपके लिए बता देते हैं, दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल यहां पर हमारा है, यहां पर लिखते हैं आपके लिए दूसरा सवाल, देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल मैं आपके लिए करा रहा हूं 3 + 2i का, या आप ये करिए 4 + 3i, ये मैंने लिखा, ये दूसरा सवाल है। अब इसका भी ध्रुवीय रूप निकालना है, तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले r की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो r निकालिए। तो r बराबर लिखेंगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी यानी img पार्ट का स्क्वायर ठीक है। तो यहां पर आपके लिए लिखना है रूट के अंदर 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 3 का वर्ग, यानी r बराबर रूट के अंदर हो गया 16, और 3 दिया 9, 16 और 9 रूट के अंदर 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब इसी तरीके से इसका हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा निकालिए, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अब क्या करेंगे, y इमेजिनरी पार्ट है, x रियल पार्ट है, तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो 3 लिख दिया, थीटा बराबर tan इनवर्स 3 और बटे में, और रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 4, तो 4 लिख दिया, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4। अब क्या करना है आपके लिए, अब सिंपली इसका मान रख देना r और थीटा का। तो देखिए मैं ध्रुवीय फॉर्म लिख रहा हूं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r क्या है, यहां पर r है 5, तो 5 लिख दिया, cos थीटा, थीटा का मान आ गया ये वाला पूरा tan इनवर्स, क्या लिखोगे tan इनवर्स 3/4, और प्लस i sin थीटा, i sin tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपके लिए 3/4। तो ये आपका ध्रुवीय रूप हो गया, यही आपके लिए आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप को निकालने के लिए r और थीटा की जरूरत होती है, जिसको हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सीखा कि ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। अब जरा एक बार इसका जरा ध्यान से देख लीजिए, फिर से हम एक बार बता दें आपको करना क्या है, आपको किसी भी सवाल में करना क्या है बच्चे, यहां पर जरा 2 मिनट देख लीजिए कि क्या करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 1 में आपके लिए करना है, यहीं पर ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1 में आपके लिए करना है कि z बराबर x प्लस i y नंबर कोई दिया होगा, उसमें सबसे पहले निकालना है r, क्या निकालना है बच्चों, r, r निकालेंगे, r निकालने का फार्मूला है r बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उनको जोड़ देंगे, r बराबर रूट में आएगा। अब यहां पर इसके बाद थीटा निकालते हैं, तो tan इनवर्स y अपॉन x, यानी इमेजिनरी पार्ट और बटे रियल पार्ट। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि हमें यहां पर ध्रुवीय फॉर्म निकालने के लिए, ध्रुवीय रूप निकालने के लिए ये चीजें जरूरत होंगी, r और थीटा। r और थीटा को निकालने के बाद सीधे फार्मूले में पुट कर देना है, और फार्मूला आपके लिए क्या है, ये फार्मूला है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फार्मूला है आपके लिए, और इस फार्मूले को बिल्कुल रट लेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकालने के लिए बच्चों। और आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं। कोई भी सवाल हो आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं, और पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से उड़ा देंगे अगर आपने ये चीजें अगर ध्यान से पढ़ ली तब। तो आई होप आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।